सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर की भी एंट्री हो गई है। राजभर ने न केवल स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा बल्कि ओबीसी समाज की तुलना बानर सेना से करके सियासी पारा चढ़ा दिया। रामचरितमानस को लेकर दिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बवाल थम नहीं रहा है। स्वामी के बयान पर सपा बैकफुट पर दिख रही है और डैमेज कंट्रोल की कवायद में जुटी है, लेकिन स्वामी प्रसाद के तेवरों में अभी भी नरमी नहीं आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर कहा कि मेरा वही लोग विरोध कर रहे हैं जो पुजारी और पंडा समाज से हैं। उन्होंने अपने बयान को निजी बताते हुए कहा कि शिवपाल यादव ने ठीक कहा, ये मेरा अपना बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक वर्ग विशेष का वो पहले भी विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। है। वो एक जाति विशेष का है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पंडे पुजारी की बिरादरी का है जिसकी धंधे पर खतरा दिखाई पड़ रहा है, उनको आभास हो गया। स्वाभाविक रूप से शिवपाल यादव जी ने सही कहा और मैं अपना बयान देते वक्त यही कहा था, ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। धर्म के नाम पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध कर रहा हूँ और उसको करता रहूंगा। मैं अपनी बात रखता हूँ। वहीं रामचरित मानस पर मचे सियासी घमासान में ओपी राजभर की भी एंट्री हो गई। ओपी राजभर ने मौर्य के बयान को लेकर कहा कि वो मौका परस्त नेता हैं, जैसा मौका देखते हैं वैसा काम करते हैं। पांच साल तो ये बात याद नहीं आई, पांच साल जब मंत्री थे अभी 17 से 22 तक, तब ये बात नहीं बोले। फिर उनको लगा कि अब सरकार बदलने वाली है तो फिर करवट बदल लिए, फिर वहां गए तो सरकार नहीं बनी, तो अब सोचे कि अब हम चर्चा में कैसे बने रहें, तो बयान दे डाला। वहीं राजभर ने भगवान राम और वानर सेना को लेकर एक अजीबोगरीब बयान दिया। अयोध्या पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आपने अयोध्या में रास्ते भर बंदर देखे होंगे। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान राम की लड़ाई लड़ी, भगवान को लंका पर विजय दिलाई, लेकिन बंदरों को क्या मिला? कुछ भी नहीं। इत्मीनान से बताओ, भगवान राम की लड़ाई थी तो भगवान राम की लड़ाई, वानर लोग लड़े, भगवान राम को लंका ले जाकर के विजय भी दिलाई, वानर को मिला कैसा? राजभर ने वानरों की तुलना ओबीसी समाज से करके सबको चौंका दिया। दरअसल ये पूरी सियासत ओबीसी वोटर्स को लामबंद करने की है। यूपी में चुनावी बिसात बिच गई है और चुनावी मौसम में नेताओं के ऐसे बयान खूब देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।